तो भाई साहब नया डब्बा, नई अनबॉक्सिंग, नए मजे। तो ये है बोट का इमोटल IM300 गेमिंग हेडफोन, जिसको बोट ने कुछ महीने पहले ही लॉन्च किया है। एंड इसके अंदर हमको वो सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि हम एक महंगे हेडफोन से एक्सपेक्ट करते हैं, लाइक सराउंड साउंड मिल जाएगा, 50mm के ड्राइवर्स लगे हुए हैं, लाइट वेट है, नॉइज कैंसिलेशन मिल जाएगा एंड सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी मिल जाएगा, और भी काफी चीजें मिल जाएंगी। बट उससे पहले डब्बा खोलने की प्रक्रिया कर लें। तो ऐसा कुछ इसका बॉक्स है इमोटल IM300 एंड यहाँ पे कुछ की फीचर्स मिल जाएंगे और ऊपर के साइड गाइस आपको अपने हेडफोन का एक प्यारी सी झलक देखने को मिल जाता है। और ये दो कलर वेरिएंट में आता है, एक व्हाइट एंड ग्रे का कलर कॉम्बिनेशन जो कि मेरे पास है एंड एक ब्लैक कलर में आता है जो कि मेरे पास नहीं है। एंड दोनों ही अमेजोन पे आपको 2100 के मिल जाएंगे, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से चेकआउट कर लेना। एंड प्राइजेस चेंज होते रहते हैं तो जोर से चेकआउट कर लेना, क्योंकि जो इसकी MRP है वो है 5000 रुपये। तो बॉक्स के अंदर से हमको ये कुछ कंटेंट मिल जाता है। सबसे पहले तो हमारा हेडफोन, जिसके हम बाद में बात करेंगे, तो इसको साइड में रख देते हैं। एंड यहाँ पे एक आपको डीअटैचेबल माइक मिल जाएगा जो कि आप किसी भी एंगल में बैंड कर सकते हो एंड माइक की क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है, तो इसको भी टेस्ट करेंगे हम। इसके अलावा गाइस यहाँ पे आपको दुनिया भर की किताबें मिल जाएंगी, जिनमें से ये दो यूजर मैनुअल है, ये वारंटी कार्ड है एंड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए कार्ड दे रखा है, बट हमको नहीं पूछना। नेक्स्ट आपको दो ये केबल्स मिल जाती है, जिनमें से एक है Type-C to Type-C केबल एंड एक है Type-C to USB केबल, और ये कुछ चार्जिंग केबल नहीं है। इसका क्या यूज है, बस वीडियो में बने रहो, 2 मिनट में आपको पता चल जाएगा। अब बात करते हैं अपने हेडफोन की। तो ये रहा अपना हेडफोन एंड फर्स्ट लुक की बात करो तो गाइस व्हाइट एंड ग्रे कलर कॉम्बिनेशन है, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है एंड भाई पूरा प्रीमियम लुक दे रहा है। और इसके बॉक्स के ऊपर भी मेंशन है कि प्रीमियम डिजाइन देखने को मिल जाता है, तो हाँ भाई एकदम प्रीमियम लुक देता है। और भाई 2100 में ना लगता है कि हमने कोई अच्छा सा प्रोडक्ट परचेज किया है। पूरी प्लास्टिक बॉडी देखने को मिलता है, बट प्लास्टिक गाइस काफी अच्छे क्वालिटी का है, 2100 रुपए खर्च किया हमने, ठीक है समरिया। इसके जो ईयर कप्स है काफी ज्यादा सॉफ्ट है, जो इसका हेड रेस्ट है वो भी काफी ज्यादा सॉफ्ट है। तो एक बार पहन के चेक कर लेते हैं कितना ज्यादा कंफर्टेबल है। तो कंफर्टेबल का बताऊं तो गाइस कोई शिकायत नहीं भाई, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। अगर मैं मार्क्स से जज करूँ ना इसको 10/10। एंड एक चीज मैंने नोटिस किया, मैंने जैसे इसको पहना तो बाहर की नॉइज कैंसिल हो गई, क्योंकि इसके बॉक्स पे भी लिखा है कि इसके अंदर आपको पैसिव नॉइज कैंसिलेशन मिल जाएगा। तो इसमें हो क्या रहा ना, इसके जो कप्स हैं ये कुछ एंगल पे बैंड हो जाते हैं, काफी ज्यादा सॉफ्ट हैं, जिसकी वजह से ये हमारे ईयर्स को पूरा ही कवर कर लेते हैं एंड बाहर की नॉइज कैंसिल कर देते हैं। तो कंफर्टेबल एंड बिल्ड का मामले में इसने मेरे को बिल्कुल भी निराश नहीं किया। एंड ये सिर्फ और सिर्फ 250 ग्राम्स का हेडफोन है, लाइट वेटेड है, मतलब अगर आपको लॉन्ग टाइम तक गेमिंग करना है तो आप कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 2 घंटे खेलना, 4 घंटे खेलना, 8 घंटे, 10 घंटे, भाई पूरा दिन खेलो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल एंड लाइट वेट है। ये बड़ी अच्छी बात कही है आपने। तो हेडफोन को अपने डिवाइस के साथ कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपको एक टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है, कोई भी 3.5mm से कनेक्टिविटी नहीं गाइस। यहाँ पे जो आपको बॉक्स के अंदर से 2 केबल मिलते हैं, Type-C to Type-C एंड Type-C to USB, इसी के थ्रू आप अपने हेडफोन को अपने डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो टाइप सी का पोर्ट आपका यहाँ पे लग जाएगा एंड एक टाइप सी का पोर्ट आपके फोन में लग जाएगा, या फिर आपके लैपटॉप में, या फिर आपके मैकबुक में। एंड Type-C to USB यूज करना है तो वो भी आप कर सकते हो, बट यार इसके अंदर आपको लाइटनिंग केबल नहीं मिलता है। इसको आप अपने आईफोन के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, आईपैड के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, बट लाइटनिंग केबल नहीं दिया यार, ये बोट वालों गलत बात है। मतलब Type-C to Type-C दे दिया, Type-C to USB दे दिया, Type-C to Lightning भी दे देते, बट अपने को कोई टेंशन नहीं यार, अपने पास है ही नहीं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इस हेडफोन को अपने आईफोन या फिर आईपैड के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको ये Lightning to Type-C साउंड कार्ड लगेगा, जो कि आप अपने आईफोन में कनेक्ट कर दो एंड Type-C वाला केबल इसके पीछे कनेक्ट कर दो, तो यहाँ पे आपका ये जो हेडफोन है इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। एंड कुछ लीजेंड बंदे होगा जो कि सोच रहे होंगे कि हम सीधा चार्जिंग केबल यूज कर लेंगे, क्योंकि वो भी Type-C to Lightning केबल आता है, बट नहीं वर्क करेगा भाई, टेस्ट कर लिया है। आपको इस टाइप का एक साउंड कार्ड परचेस करना ही पड़ेगा। इस हेडफोन के अंदर आपको 2 माइक्स मिल जाते हैं, एक तो इसके अंदर प्री बिल्ट माइक है जो कि आपका प्राइमरी माइक होने वाला है एंड एक आपको डीअटैचेबल सेकेंडरी माइक मिल जाता है। तो ऐसा कुछ साउंड इसके प्राइमरी माइक में रिकॉर्ड होता है, आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताना। तो अब जो वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है इसके सेकेंडरी माइक से रिकॉर्ड हो रहा है, तो आपको क्वालिटी कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। नेक्स्ट आपको इसके अंदर एक मोड चेंजिंग बटन मिल जाएगा, जिससे आप इसके ऑडियो के मोड को चेंज कर सकते हो। एंड इसके अंदर आपको टोटल 2 मोड्स मिलते हैं, एक गेमिंग मोड मिल जाता है एंड एक आपको म्यूजिक मोड मिल जाता है। तो दोनों के साउंड क्वालिटी चेक करते हैं कि दोनों में आपको कैसे साउंड क्वालिटी मिलने वाला है। Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you coming for. तो गाइस सही बताऊं तो इसकी जो साउंड क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, एक एक डायलॉग गाइस आपको क्लियरली सुनाई दे रहा है। एंड मैंने दोनों ही मोड पे टेस्ट किया, म्यूजिक मोड एंड गेम मोड, एंड जो गेम मोड है मेरे को थोड़ा सा ज्यादा बेटर लगा म्यूजिक मोड से, क्योंकि वो थोड़ा सा ज्यादा लाउड है। एंड इस हेडफोन को मैं पिछले 2 दिनों से टेस्ट कर रहा हूं, जिसमें मैंने दबा के म्यूजिक के मजे लूटे हैं, 4-5 मूवीज निपटा दी, और गेमिंग तो गाइस मैंने एकदम दबा के खेला है। अपने PC के अंदर मैंने वैलोरेंट खेला, एक एक फुटस्टेप की एकदम क्लियर साउंड आ रही थी कि फुटस्टेप कहां से आ रहा है। तो खेलने में गाइस काफी ज्यादा मजा आया इसके साथ। एंड अपने आईपैड में मैंने बीजीएमआई खेला,
वगैरह जिसमें भी मेरे को एकदम क्लियर साउंड आ रही थी कि नेट कहाँ से आ रहा है, बंदा कहाँ पे, ऊपर नीचे दाएं बाएं क्लियर साउंड आ जा रहा था, सांप कहाँ पे बने फिर रहे हैं वो भी एकदम क्लियर पता चल जा रहा था। तो भाई गेमिंग के लिए बताओ तो नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं, आप परचेस कर सकते हो, आपको एकदम 3D साउंड इफेक्ट मिल जाता है। और म्यूजिक लवर के लिए भी गाइस कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको परचेस कर सकते हो, इसका साउंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा है, बेस भी काफ़ी अच्छा मिल जाएगा एंड मस्टरिंग भी काफ़ी अच्छी खासी मिल जाएगी और सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी मिल जाएगा, तो इसको भी आप चेंज कर सकते हो। तो एक बार इसके सॉफ्टवेयर पर भी नज़र मार लेते हैं। तो ऐसा कुछ इसका सॉफ्टवेयर है एंड यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं, एक गेम मोड, एक यहाँ पे म्यूजिक मोड मिल जाता है एंड एक यहाँ पे माइक मोड मिल जाता है। तो माइक की वॉल्यूम आपको कितना रखना है यहाँ पे आप सेट कर सकते हो एंड यहाँ पे आपको एनवायरनमेंट नॉइस कैंसिलेशन ऑन रखना है फिर ऑफ, ये आप सेट कर सकते हो। एंड सेकंड म्यूजिक मोड जहाँ पे आपको काफ़ी सारे प्रीसेट्स पहले से मिल जाएंगे, पॉप मिल जाएगा, रॉक एंड रोल मिल जाएगा, डीप बेस मिल जाएगा एंड और भी काफ़ी सारे प्रीसेट्स मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको कस्टम का भी ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ पे आप अपना खुद का कस्टमाइज कर सकते हो, बेस बढ़ाना बेस बढ़ा लो या फिर कुछ भी कम ज़्यादा करना आप यहाँ पे कर सकते हो। एंड सेम गाइज आपको गेमिंग मोड में काफी सारे प्रीसेट्स मिल जाएंगे, डीप बेस मिल जाएगा, मोबाइल मिल जाएगा, FPS मिल जाएगा एंड यहाँ पे भी आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो ऐसा कुछ जैसा सॉफ्टवेयर था एंड जिन जिन को भी ना प्रॉब्लम होती है कि भाई मेरे को बेस कम मिल रहा है, मेरे को मस्टरिंग चाहिए, ये कम मिल रहा है, भाई खुद कस्टमाइज कर लो, सारा कुछ आपको दे दिया बॉट वाले ने, सॉफ्टवेयर ओपन करो, सारा कुछ कस्टमाइज कर लो एंड जैसा ऑडियो चाहिए आप वैसा बना लो। ये एक गेमिंग हेडफोन है तो भाई इसकी लाइटर शटर की भी बात कर ले, क्योंकि बिना लाइटर शटर के गेमिंग प्रोडक्ट थोड़ी ना होता कोई भी। तो इसके अंदर आपको सिंगल ब्रीथिंग इफेक्ट RGB लाइट्स मिल जाती है, तो सिंगल मोड मिलेगा ब्रीथिंग इफेक्ट जो कि देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। एंड अगर इसकी RGB को आपको ऑफ रखना है तो मोड बटन को थोड़ी देर होल्ड पे रखो एंड जो इसकी RGB वो ऑफ हो जाएगी एंड सेम ऑन करने के लिए आपको मोड बटन को थोड़ी देर होल्ड पे रखना है एंड जो इसकी RGB वो ऑन हो जाएगी। तो भाई यही था अपना बोट इमोटल IM300 गेमिंग हेडफोन। भाई आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जोर से बताना, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं मेरे को तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो एंड करते हैं इस वीडियो को, आई होप गाइस आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ ठोक डालो। तो मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।